Assalamualaikum and namaste. Welcome to my channel JD Future Foundation. I hope you are all doing well. So today is a good news for you all of you here. From today we are going to start mathematics complete course from basic to advanced. Yes, and yes, really I am going to start mathematics course also on my channel, so stay connected with me. So today is our first lecture that is completely based on SAT. So today we will discuss that what is SAT, who are the main who introduced SAT, and how we can understand the SAT concept. So let's get started. So सबसे पहले हम जानते हैं कि SAT आखिरकार होता क्या है और SAT इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन आदमी था. SAT वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज क्वांटन. क्या है? जॉर्ज क्वांटन एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने क्या किया, SAT को इंट्रोड्यूस कराया, SAT का बुनियाद रखा. क्या रखा? सेट को बुनियाद रखा. ये वो आदमी थे जिन्होंने सेट का बुनियाद रखा, सेट को करा क्या, इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में. अब होता क्या है अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेट होता क्या है. सेट होता है किसी भी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट. किसी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, उनका ग्रुप हो, उसको हम बोलेंगे वो हमारा क्या है, सेट है. इस तरीके से डेफिनेशन की मदद से इसको और भी क्लियर करते हैं. जैसे मैंने लिखा है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इसका सेट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मींस रिपीटेड ना हो. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 1 2 3 1 2 3. अब मैंने बार बार, एक बार वन आ चुका है, दूसरी बार वन आ रहा है, इट मींस इट इज रिपीटिंग, इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. मींस ऐसा सेट जिसमें कोई भी रिपीटेशन ना हो और एक वेल डिफाइंड हो. वेल डिफाइंड मींस जो एक सेंसेबल हो, मीनिंगफुल हो, जिसको समझा जा सके. जैसे मैं बोलता हूँ हफ्ते के दिनों का सेट, जैसे मंडे होता है, ट्यूजडे होता है, ये मतलब हमें समझ में आ रहा है, मंडे है, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, समझ में आ रहा है कि एक मतलब वेल डिफाइंड सेट है. इसलिए हमें ये समझ में आ रहा है इस तरीके से जो डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि मंडे एक बार हो गया, एक हफ्ते में एक बार ही मंडे आता है, बार बार नहीं आता ना, तो एक ये मतलब डिस्टिंक्ट हो गया इसको. इसलिए हम इसको याद रखेंगे, ये हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है. क्या है हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है. आई होप इट इज क्लियर. कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने लिखा है टीम ऑफ प्लेयर. किसी भी कोई भी क्रिकेट की टीम हो या जो भी टीम होते हैं, उसके प्लेयर होते हैं. प्लेयर एक मतलब जुड़वा तो नहीं होते ना. अब एक मतलब बाबर आजम है या कोई विराट कोहली है. विराट कोहली दूसरा तो नहीं है, एक विराट कोहली हुआ मेंबर उसमें टीम का. तो इस तरीके से क्या है, वो एक डिस्टिंक्ट भी और वेल डिफाइंड किस तरीके से कि सबके एक प्रॉपर नाम है, सबको हम अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं. तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, एक ये हमारा क्या है, सेट है. क्या है हमारा, सेट है. इसी तरीके से मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ इंग्लिश क्लास स्टूडेंट. इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट का ग्रुप. अब इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट के ग्रुप का हमें समझ में आ रहा है कि इंग्लिश क्लास के ग्रुप में स्टूडेंट का ग्रुप है, तो ये वेल डिफाइंड है. और डिस्टिंक्ट भी एक इंग्लिश ग्रुप अलग होगा, साइंस का अलग होगा, इंग्लिश का एक ही बताया जा रहा है, इंग्लिश को डिफाइन किया जा रहा है. तो ये हमारा क्या है, सेट है. क्या है हमारा, सेट है. इसी तरीके से मैंने लिखा है अ ग्रुप ऑफ मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स. ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते ही जाते हैं, जिसकी कोई एंड नहीं होती. जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलते जाते हैं. वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं. वो नेचुरल नंबर ही हम उनको क्या बोलते हैं, वो हमारा सेट है. क्या है हमारा, सेट है. क्यों सेट है? क्योंकि उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होती. एक बार बना था तो बार बार दूसरी बार वन नहीं रिपीटेट होता है, इसलिए वो क्या है, डिस्टिंक्ट है. और वेल डिफाइंड कैसे, क्योंकि हमें पता चल रहा है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, हमें पता चल रहा है वेल डिफाइंड, डिफाइंड किया हुआ है अच्छे तरीके से, इसलिए हमें समझ में आ रहा है. तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारा एक सेट है. इसी तरीके से मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ इंग्लिश बुक. इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनका ग्रुप. इंग्लिश की बुक का ग्रुप अलग, हमारे मतलब जो होती है ना क्लास हो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में, कॉलेज में या स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारे पास ग्रुप होते हैं बुक्स में. इंग्लिश के 3-4 बुक होते हैं, कोई ग्रामर का बुक, एक इंग्लिश लेसन का बुक, एक पोएम्स का बुक, एक ड्रामा का बुक. तो इस तरह की डिफरेंट बुक है, तो वो ग्रुप है उसका बुक है. क्या है, ग्रुप है. तो एक वेल डिफाइंड चीज है, एक डिस्टिंक्ट चीज है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये सेट है. क्या बोलेंगे, वैसे सेट है. जी हाँ बिल्कुल, ये सेट है. इस तरीके से आप कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में. हम नोटेशन ऑब्जेक्ट देखते हैं.
तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेट का इट्स मेंबर, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में, किसी भी सेट में उनको हम क्या बोलते हैं, उसके मेंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ एक सेट है जिसमें है 1 2 3, अभी 1 2 3 क्या है, 1 2 3 जो हम लिख रहे हैं सेट के अंदर वो उसके मेंबर है, क्या है वो उसके मेंबर्स है, वो सेट के मेंबर्स है। इस तरीके से हम कौन डिफाइन करें वो मेंबर है। अब नोटेशन ऑफ सेट देखेंगे, नोटेशन ऑफ सेट मींस सेट की रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने लिखा है अ सेट इज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर, सेट किसी भी सेट को हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पहचानेंगे किस तरीके से, ये एक कैपिटल अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट की मदद से उसको पहचाना जाएगा, किसी भी इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट की मदद से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एक सेट है, क्या है, ये एक सेट है। देखिए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट आर रिटन, जो उस सेट को सेट फॉर्म में पहचानेंगे, सेट कौन सा, ये भी कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, ए बी सी डी उसके बाद सेट होगा, बट उस सेट के अंदर वो जो मेंबर होते हैं, मैंने आपको क्या बताया A is equals to A set है, set के अंदर members कौन थे, 1 2 3 natural numbers थे, इसी तरीके से वो members होते हैं ना, वो members किस भी चीज में लिखेंगे, वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, किस तरीके से लिखे जाएंगे, वो हम लिखेंगे curly brackets में, क्या लिखेंगे किसमें, curly brackets में, ये हमारे brackets है ना, इसे हम बोलते हैं curly brackets, क्या बोलते हैं curly brackets, क्या बोलते हैं curly brackets, हमारे जो भी मेंबर होंगे वो हम जो सेट के मेंबर होंगे वो इसमें लिखे जाएंगे और उसको सेपरेट किया जाएगा कामा की मदद से, इसकी मदद से कॉमा की मदद से उसको अलग अलग किया जाएगा, किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट है नेचुरल नंबर का जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, देखे हो मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू ए, ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेट है, सेट है उसको मैंने एक इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, और उसको उसके सेट के मेंबर कौन कौन से हैं, सेट के मेंबर है 1 2 3 4 5 और ये चलते ही जा रहे कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं, पर इनको मैंने किस में लिखा है, ये देखें इनको मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, इसमें लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये हमारा कौन सा क्या होगा, ये हमारा सेट होगा, क्या होगा हमारा सेट होगा। अब आइए कुछ और भी सेट के बारे में जानते हैं और भी एक्सप्लोर जानते हैं, कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट सैंपल जो हमें काम आ गया है एक्सप्लोर करने में। जैसे सबसे पहले हमारे पास सैंपल आता है कर्ली ब्रैकेट्स, ये यहाँ पे जो लिखी हुई है इस तरीके से, ये हमारे क्या है, इनको हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स आर ब्रेसेस, क्या बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स आर ब्रेसेस, ये हमेशा सेट के मेंबर जो भी सेट के मेंबर्स होंगे उनको हमेशा इसके अंदर लिखेंगे हम, और उनको कामा से सेपरेट करेंगे, कामा से जुदा जुदा करेंगे, क्या करेंगे कामा से जुदा जुदा करके लिखेंगे, रेड क्लियर। दूसरा नंबर हमारे पास सैंपल आ रहा है ये, अभी ई की तरह दिखने वाला सैंपल है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू, क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में बिलोंग टू, मैथ की भाषा में इसको बोलेंगे बिलोंग टू, या इसको बोलेंगे इज अ मेंबर ऑफ, क्या बोलेंगे इज अ मेंबर ऑफ। इसी तरीके से एक और सैंपल आ रहा है, ये भी ई की तरह ही है बट इसको क्रॉस किया हुआ है, इस पे एक वर्टिकल लाइन खींची हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे डजंट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, क्या बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू, मैथ की भाषा में यहाँ इसको बोलेंगे इज नॉट अ मेंबर ऑफ, क्या बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे इज नॉट अ मेंबर ऑफ, क्या बोलेंगे इज नॉट अ मेंबर ऑफ। अब इसको यूज किस तरीके से करेंगे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने लिखा है सिंबल पर लिखा है सेट, एक सेट मैंने लिखा है जिसको मैंने क्या लिखा है कैपिटल ए, कैपिटल ए मींस इंग्लिश अल्फाबेट से मैंने एक सेट बनाया है, और जिसको मैंने क्या लिखा है, किसमें लिखा है कर्ली ब्रैकेट में, किसमें कर्ली ब्रैकेट्स में, और उसमें सेट के मेंबर लिखे, क्या ये अंदर लिखे हुए क्या है सेट के मेंबर है, ये कौन है किस चीज का सेट है, ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट है, क्या है नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे, बट फॉर नाउ हमें ये बताना चाहिए ये हमारे अंदर जो भी लिखे हुए हैं नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे नेचुरल नंबर है, बट इसके अंदर सेट के अंदर लिखे हुए हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ये सेट के मेंबर है, कौन से सेट के मेंबर है ए सेट के मेंबर है, किसके ए सेट के हमारे मेंबर्स है, क्या है ए सेट के मेंबर्स है। हम इन लॉन्ग टू डॉग किस तरीके से समझेंगे, जैसे मैंने लिखा है 1-A, मतलब 1 क्या करता है, 1 ए इस सेट में 1 है, इस सेट में ए सेट है, ए सेट का कोई मेंबर 1 है, मेरे ए सेट का जिसमें नंबर्स लिखे हैं मैंने उस सेट में 1 नंबर आता है, आता है, अगर आता है तो हम क्या कहेंगे
belong to, helping him. One belong to A, मतलब जो भी one है वो हमारे A set के अंदर आता है. क्या है? आता है, मतलब उसके से belong करता है, उसका member है, उसकी family का member है. ये हमारी family है जो A set की, उस family का member one है या नहीं? हाँ, member है. हमने देखा member पढ़ा है, one है, तो ये member है. इस तरीके से लिखा है three. Three क्या A family का member है? Three में देखूंगा. हाँ हाँ, थ्री पड़ा है, तो मतलब थ्री भी हमारी इस फैमिली का मेंबर है. इसलिए हम कौन सा फैमिली यूज करेंगे? हम कौन सा फैमिली यूज करेंगे? बिलोंग टू. क्या यूज करेंगे? बिलोंग टू. इस तरह से फोर, फोर देखिए बोला यहाँ पे है. हाँ हाँ, फोर भी है. फोर भी इट मीन्स फोर भी हमारा ए फैमिली का मेंबर है. क्या है? ए फैमिली का मेंबर है. अब यहाँ पे दस कवर क्या दस, पर यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव, दस तो नहीं है यहाँ पे. क्या ये दस ए फैमिली का मेंबर है? क्या है? प्लीज कमेंट इन द बॉक्स. क्या है? दस ए फैमिली का मेंबर है? आप बोलोगे नहीं, बट है. यहाँ पे ये डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब है ये नंबर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. यहाँ पे सिक्स भी है, यहाँ पे सेवन भी है, यहाँ पे एट भी है, यहाँ पे नाइन भी, यहाँ पे टेन भी, यहाँ पे इलेवन भी है, यहाँ पे ट्वेल्व भी. इस तरह के नंबर कंटिन्यूअसली चलते ही जा रहे हैं. तो मतलब ये टेन फैमिली का मेंबर है या नहीं? है. तो हम क्या लिखेंगे? 10 belong to A. क्या लिखेंगे? 10 belong to A. अब हमारे पास मैंने लिखा है D. क्या D belong करता है A family से? देखें 1 2 3 यहाँ पे तो D नहीं दिखाई दे रहा. A है, एक set है, उसका members है, but यहाँ पे D तो नहीं दिखाई दे रहा. confused हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें? D तो इस family का member नहीं है. क्या ये belong to करता है या does not belong to है? फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की बात नहीं है. यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग टू है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फैमिली ए फैमिली का डी मेंबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे डी ए फैमिली का मेंबर नहीं है. डी डज नॉट बिलोंग टू ए फैमिली. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट बिलोंग टू. इसी तरीके से मेरे पास आर है. क्या आर ए फैमिली का मेंबर है? आप बताए, क्या आर ए फैमिली का मेंबर है? जी नहीं, ए आर ए फैमिली का मेंबर नहीं है. इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? R does not belong to A. क्या लिखेंगे? R does not belong to A. R does not belong to A. क्यों? क्योंकि R इस फैमिली का मेंबर नहीं है. क्योंकि ये कौन सी फैमिली है? ये नेचुरल नंबर्स की फैमिली है, इसमें R नहीं बिलोंग करता है. इसलिए हमने क्या लिखा? R does not belong to A. इस तरीके से मैंने लिखा है J belong करता है क्या A से? क्या J A फैमिली की A से बिलोंग करता है? नहीं. क्यों? क्योंकि J फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पे जबकि हमें दिया हुआ है J, J इस फैमिली का मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसे लिखेंगे J does not belong to A. That's all. Is it clear? So that's all for about set. I hope it is clear. और हमने set का थोड़ा सा introduction किया, थोड़ी सी उसकी type देखी, थोड़ी सी उसके samples देखे, थोड़ा सा उसका introduction किया. So we will continue tomorrow, inshallah. Thank you.